अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजवेरिया का माल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह दिखा रही हूँ जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के फूड्स मिलते हैं, और जब आप किसी और कंट्री आते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि क्यों ना हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो फ़ूड ट्राई करें। तो यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्होंने आप कह लें इसको फ़ूड स्ट्रीट बना दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में भी बहुत अच्छी है, और एक होता है एम्बियंस इतना अच्छा होता है ना तो आपको बैठने का भी अच्छा लगता है। सबसे पहले लोकेशन बताते हैं, आगे चलते हैं, प्राइस भी देखेंगे और क्या क्या मिल रहा है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। आपने आना है मस्जिद नबवी के अंदर वाले 21-22 गेट से, बाहर वाले 333 और 334 गेट से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह ये फ्रेम है, और इसके बाद हम जाएंगे जी सीधा, ठीक है। मस्जिद नबवी का अंदर वाला जो गेट है वो होगा 21-22, लेकिन बाहर वाले जो गेट है वो होगा 333-334, और उससे बस आपने स्ट्रेट आ जाना है। ये वही सेम जगह है जहाँ से आगे जाकर बहुत ही खूबसूरत लोकल मार्केट्स हुआ करती थी, लेकिन अब सब डिमोलिश कर दिया है। और कहने में आ रहा है कि 2030 विज़न है, यहाँ पर नई नई इमारतें तामीर की जाएंगी और इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जो भी है, मुझे लगता है कि इंडियन और पाकिस्तानी हाजी ज़रूर मिस करते होंगे ये लोकल मार्केट्स, क्योंकि सब ही तकरीबन यहाँ से शॉपिंग किया करते थे। तो खैर, अभी हम फूड की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। फ्रेम आ जाएगा इस तरह, जिसके ऊपर लिखा है अनलव मदीना। इसके साथ ये है फूड स्ट्रीट पूरी। सबसे पहले है जी फ्रेश जूसेस, जिस पे मैंगो के प्राइस, सब स्मॉल के प्राइस हैं 10 रियाल और सब बिग के हैं 25 रियाल। ये आपने स्मॉल लिया? मैं बिग लिया। ओके, ये बिग है जी और स्मॉल। और इसके साथ है अफ़गानिस्तान फूड। इनके पास लिखा अफ़गानिस्तान फूड है लेकिन कराची के समोसे लगे हैं। कितने के हैं, क्या प्राइस? 3 रियाल ईच। ये 3 रियाल ईच है। ये कुछ समोसा टाइप चीज़ें हैं और ये है बेसिकली अफ़गानिस्तान फूड। उसके बाद है जी अजवा आइसक्रीम। अच्छा, ये छोटा कप है अजवा आइसक्रीम का 10 रियाल का, और ये बड़ा कप है अजवा आइसक्रीम का 15 रियाल का। इसके साथ है मदीना मटेरियल, यानी कि गिफ्ट शॉप। ये है जी गिफ्ट आइटम्स। यहाँ पर चायनामाज बहुत सारी क्वालिटी के, स्पेशली ये यहाँ से बहुत सारे लोगों को मैंने लेते हुए देखा है। ये गिफ्ट है और ये 30 रियाल की मिल रही है, या 30 रियाल की ये ले सकते हैं। पर तस्बीहात भी हैं, यहाँ पर फ्रेग्रेंसेस भी हैं। और रोज़तुल जन्ना जायनमाज प्राइस 130 रियाल्स। ओके, 130 रियाल्स है। और बाद है तुर्किया फूड, और यहाँ पर टर्किश फूड होगा। प्राइस 5 पीसेस 15 रियाल्स। एंड बकलावा, बकलावा 2 पीसेस 15। ये बकलावा है 2 पीसेस 15 रियाल का। और एंड दिस सेवन रियाल। नाइस मेन्यू। मदीना गुडनेस। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। इनके पास आइसक्रीम और खाने की टाइप चीज़ें हैं। अस्सलाम। यहाँ पर टी है। प्राइस 10 रियाल के ये जूसेस वगैरह हैं, और इस तरह की ये रोज़ टी अवेलेबल है इनके पास। बेसिकली ये है जी स्टेशनरी, और यहाँ पर आपको मिलेंगे इस तरह के बुक्स वगैरह। यहाँ पर उम्रा से रिलेटेड और बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। सही मुस्लिम है और बुखारी है, सही मुस्लिम है यहाँ पर और सही बुखारी है।
काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कुरान और असली कुरान असली हरम कितने का? 40 रियाल। असली मदीना। इसके बाद है इटालियन फूड। इटालियन फूड में आपको मिलेगा यहाँ पे यहाँ पर है जी पिज़्ज़ा और कैल्ज़ोन स्पैगेटी। ये सब की चीज ये प्राइस लिखे हुए हैं। ये लोग डिलीवरी सर्विस भी दे रहे हैं अपने होटल, आप मंगवा सकते हैं। इसके बाद है इंडोनेशियन फूड और हाउ मच 10 रियाल एवरीथिंग 10 रियाल एवरीथिंग इन 10 रियाल। ये है सब्जी 10 रियाल का और ये है इंडोनेशियन फूड और ज़रूर आएँ तो विज़िट करें। साथ में है ओमान फूड, बंद हो गया है, आई थिंक ये बंद ही है अभी। इसके साथ है रोमाज डेट्स एंड गिफ्ट शॉप, यहाँ पर भी सज्जादा यानी कि अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अजवा कुछ अजवा प्राइस 10 रियाल। ये है 10 रियाल का स्मॉल बॉक्स। प्राइस 35 और दिस वन 130। ये 130 है और 35। ये काफ़ी ज़्यादा थिकनेस वाली है और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी जाय नमाज मौजूद है और फ्रेग्रेंसेस भी हैं कुरान हदीया बराबर में। इसके बाद है इंडियन फूड और इंडियन फूड में अस्सलाम वालेकुम। इंडियन फूड में इनके पास है चिकन कोरमा, मिक्स वेजिटेबल चिकन बिरयानी, एग भुर्जी, वाइट राइस, चना मसाला, चिकन 65, चिकन कोरमा मिक्स। वन पर्सन सर्विंग या ओके। इंडियन रेस्टोरेंट है ये और यहाँ पर ये कोरमा, वेजिटेबल, राइस, चपाती, एवरीथिंग इन 20 रियाल। या ये कॉम्बो इनके हैं। एक है इसके अंदर है बटर चिकन, लेंटिल यानी के दाल और राइस एंड चपाती 20 रियाल और साथ में है कोरमा, वेजिटेबल, राइस, चपाती 20। इंडियन फूड और ये यहाँ से आकर है। थैंक यू शुक्रिया। यहाँ पे है अफ्रीकन फूड और अफ्रीकन फूड में यहाँ पर बीफ एंड सैंडविच है, बीफ और चिकन स्लाइस 8 रियाल का और यहाँ पर सैंडविच ग्रिल्ड चिकन है 5 रियाल का। यह है अफ्रीकन फूड। यह है कुनाफा एंड अरबिक कॉफ़ी और यह बंद हो गया है चूँकि बस नमाज अभी होने में थोड़ी सी देर है। यहाँ पर हम प्राइस देख लेते हैं। आई थिंक 6 पीसेस कुनाफा जो है वो 20 रियाल का है और 3 पीसेस कुनाफा जो है वो 10 रियाल का है और ये है कुनाफा। यहाँ पर बना हुआ है इनका सिटिंग एरिया। पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड्स पर शॉप्स थी, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हदिया करने की मिलती थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आप ले सकते थे, खाने पीने के ले सकते थे, गिफ्ट करने के लिए ले सकते थे, कुरान ले सकते थे, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक तरफ उन्होंने इसको फूड स्ट्रीट टाइप बना दिया और दूसरी तरफ सिटिंग एरिया बना दिया जो कि बहुत अच्छा है। आप बारसानी यहाँ पर बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और इतना अच्छा खूबसूरत सामने मंज़र है उसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, इतना प्यारा मंज़र एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हर चीज़ की प्राइस मैंने बता दी है, डिफरेंट फूड है यहाँ पर। अगर आप डिफरेंट टेस्ट पसंद करते हैं, क्योंकि हर कंट्री का एक अलग टेस्ट होता है, अगर आप डिफरेंट टेस्ट पसंद करते हैं तो ज़रूर इस फूड स्ट्रीट को विज़िट करें और जो भी आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर खाएँ। आइसक्रीम्स भी हैं और चीज़ें हैं, स्नैक टाइप है, डिज़र्ट है, खाना है, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इस तरह का कुछ भी यहाँ पर लेकर इन्जॉय कर सकते हैं।
तो जब भी आप मदीनातुल मुनव्वरा आएँ और आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड टेस्ट करने का दिल करे तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। लोकेशन आपको बता दी है, प्राइस दिखा दिए हैं, किन किन कंट्रीज़ के फूड यहाँ पर अवेलेबल हैं वो दिखा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हज और उमरा से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।